बलरामपुर के त्रिलोकपुर गांव में कुछ दिन पहले ही करीब 5 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था और नकदी रुपए समेत जेवरात भी चुरा ले गए थे। बता दें कि ऐसे में पुलिस ने इस पर जांच शुरू की, जिसमें 3 चोर कुछ दिन पहले ही पकड़े गए थे। गौरतलब है कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जहां प्रदेश सरकार प्रयासरत रही, तो वहीं पुलिस भी सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस ने फरार चल रहे चोरों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था और इसी कड़ी में उतरौला के क्षेत्राधिकारी उदयराज सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव के निर्देशन में अभियान चलाया गया और कोतवाली उतरौला के उपनिरीक्षक गौरव सिंह तोमर और उनकी टीम ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। रात्रि में उतरौला थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें 4 घरों में चोरी हुई थी। उस घटना पे हम लोग ने वर्कआउट किया था, जिसमें पूर्व में अभियुक्तगण पकड़े गए थे और एक वांछित अभियुक्त था तारा उर्फ तारे, जिसको कल हमारी उतरौला टीम ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था, पुरस्कार घोषित इनामी अपराधी है। और गिरफ्तारी के उपरांत इससे तमंचा तथा चोरी की संपत्ति के 2,200 रुपये बरामद किए गए।